चलो ना बुक सो चलो मैं घर करूंगी और मिलती हूँ आपको पूजा में। ये करूँ मैं, ये तेरी हंसी पर मैं मर ही ना जाऊं तेरी ही बातों। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू सीजीआरए। तो आप लोग कैसे हैं? मैं तो अच्छी नहीं हूँ क्योंकि मुझे हो गया है बुखार। सबसे पहले मैं दूध पीऊंगी, फिर उसके बाद बिस्किट खाऊंगी और फिर मैं खाऊंगी दवाई। तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, पर शाम तो बर्थडे पार्टी में फिट भी तो होना है ना, क्योंकि फ्रेंड्स आएंगे, हम लोग मस्ती करेंगे, तो इसलिए दवाई खानी पड़ेगी ताकि मैं शाम तक फिट हो जाऊं। और फिर अभी सबसे पहले घर में हो गया रुद्राभिषेक शिव जी का, फिर होगी मेरी बर्थडे की पूजा। इन दोनों में मुझे बैठना पड़ेगा। और एक मिनट, आप लोग आओगे मेरे बर्थडे में? आओगे? हाँ, मुझे पता है आप आओगे, क्योंकि आज मैं पूरा दिन आपके साथ स्पेंड करने वाली हूँ। तो बिना किसी देरी के मैं आपको मिलती हूँ पूजा में, बाय। सो गाइस, मैं नहा भी गई हूँ और अभी तक मेरा बुखार उतरा नहीं है। मैंने दवाई खाई थी, वो इतनी गंदी थी गाइस, अभी तक मेरे मुंह में इसका टेस्ट है। खैर छोड़ो, अभी पंडित जी आ गए हैं, मम्मा पूजा की तैयारी कर रही हैं। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ कि पूजा में क्या हो रहा है। तो चलो देखते हैं पूजा में क्या हो रहा है। तो पंडित जी आ गए हैं, पूजा रुद्राभिषेक की तैयारी हो रही है, पंडित जी चौकी बना रहे हैं और मेरे बर्थडे की पूजा होगी अभी। प्रथम आत्मजा सब आलिकस्य प्राची, क्या नाम है इसका, चंद्रा नाम बालिकस्य सा जिति ओम भूर्व स्वः त्रिकटुं नमः गाया सुर गोदी समर्वा मेरे विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकारे सुदर्शा प्रणम्यं दर्शदा। सो गाइस, अभी डॉक्टर के यहाँ से आ गई हूँ, मैंने कपड़े भी चेंज कर लिए हैं, बना लग रही हूँ मैं पूरी येलो, ऊपर टिप ब्लैक होती है ब्लैक। तो चलो देखते हैं कि मम्मा किचन में क्या कर रही हैं। मम्मा तो मम्मा कर रही है भोग की तैयारी। तो देखते हैं बाहर क्या हो रहा है। ना जो पंडित जी बात कर रहे हैं, ना जी हेलो बोलो। हेलो हेलो हेलो। तो गाइस, ये है मेरा खाना, ये है दाल चावल, ये है पंपकिन की सब्जी। डॉक्टर ने कहा था कि लाइट खाना खाना, जिसकी वजह से मम्मा ने मुझे ये दिया है, मतलब ये पतली पतली दाल दी है। मैं इसके बाद जल्दी से खाना खाऊंगी, फिर उसके बाद मैं पढ़ूंगी, क्योंकि शाम को बर्थडे पार्टी में चले जाएंगे, मैं पढ़ नहीं पाऊंगी। तो इसलिए अभी मैं पढ़ लूँगी, क्योंकि शाम को मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स आएंगे मेरे बर्थडे पार्टी में, तो वहाँ पे मस्ती में उनके साथ खेलने में लग जाऊंगी और फिर मैं घर आऊंगी, मैं थक जाऊंगी और फिर मैं सो जाऊंगी और मैं पढ़ाई कर नहीं पाऊंगी। तो इसलिए अभी मैं जल्दी से खाना खाऊंगी और उसके बाद मैं पढ़ूंगी और फिर शाम को हम लोग करेंगे गेट रेडी विद मी का शूट। सो ये है मेरी छोटी सी फ्रेंड, जो मेरी ही बिल्डिंग में रहती है और मेरे ही स्कूल में पढ़ती है। अच्छा, क्या नाम है इसका? मनारा लेती हूँ, बताओ तो सही। मैं कहाँ लेती हूँ? आप सीजन फाइव में रहती है। अच्छा, आपके लिए गिफ्ट लेके आई है। आप शाम को पार्टी में नहीं आओगे? आऊंगी। अच्छा, पर आपसे वेट नहीं हुआ, घर में आ गए गिफ्ट देने, है ना? एक बार दांत भी दिखा दो अपने सुंदर सुंदर, स्माइल करो। सो गाइस, मैंने पढ़ाई भी कर ली है तो अभी टाइम भी हो गया है। तो चलो दिखाती हूँ मैं आपको कि मेरी आउटफिट क्या है। सो गाइस, देखो मैं वाला टॉप पहनने वाली हूँ और ये वाली जीन्स। तो चलो मैं आपको रेडी होने के बाद मिलती हूँ। सो गाइस, मैं रेडी हो गई हूँ, तो मम्मा आप दिखाओ मैं कैसी लग रही हूँ। ओके लग रही हूँ। सो दिस इज द लुक फॉर माई बर्थडे पार्टी, लेट्स गो।
पर इस कहानी में ट्विस्ट है क्योंकि आज मेरा भी बर्थडे और मेरी दीदी का भी होगा। सो गाइस आज हम दोनों एक साथ केक काटेंगे। तो अब चलो लेट्स गो। सो गाइस ये भी मेरी फ्रेंड है जो दिन में आई थी मुझे गिफ्ट देने और ये भी मेरी फ्रेंड है जो मेरे सेक्शन में है। तो सबसे पहले हमने म्यूजिकल चेयर से शुरुआत करी। हमने खेले तो बहुत सारे गेम्स थे पर सबसे पहले हमने म्यूजिकल चेयर से शुरुआत करी। हमने बहुत सारी मस्ती भी की और डांस भी किया। मम्मा एक एक करके चेयर हटाने लगी पर मैं तो लास्ट तक बनी रही। और लास्ट में जब एक चेयर बची तब मैं आउट हो गई। उसके बाद सारे बच्चों ने स्टैचू खेला। सारे बच्चों ने पासिंग द पार्सल खेला और जो मेरी छोटी सी फ्रेंड मुझे दिन में गिफ्ट देने आई थी ना वो जीत गई। उसके बाद सारे लोगों ने स्नैक्स खाए, मैंने भी खाए और उसके बाद हम लोगों ने केक काटा। केक कटिंग के बाद फोटो सेशन तो बनता है ना, तो इसके बाद हम केक कटिंग के बाद हमने फोटोज खिंचाई। हम लोगों ने बहुत मस्ती करी और फिर हम लोगों ने डिनर किया। और ये है मेरी बेस्ट फ्रेंड अनुष्का जो बहुत कैमरा शो है पर मैंने इसको लास्ट में पकड़ ही लिया। और ये है मेरी बुआ जिनके साथ में बैठी हुई हूँ। तो गाइस मेरा बर्थडे हो चुका है, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स आए थे पर मुझसे यूनिक फ्रेंड नाराज हो गए जिसकी वजह से मुझे बहुत बुरा लगा। पर कोई बात नहीं, मैं घर आकर टीवी देखूंगी और फिर मैं सोऊंगी क्योंकि मैं बहुत थक चुकी हूँ पर तभी भी टीवी देखना जरूरी है। तो चलो अभी मैं घर जाऊंगी, मैं कपड़े चेंज करूंगी, बाद में मिलती हूँ। सो ये है मेरे सारे गिफ्ट्स। अगर आप चाहते हैं मैं इनकी अनबॉक्सिंग करूँ तो आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब और ढेर सारे कॉमेंट्स करने पड़ेंगे। Till then, take care of yourself. Bye-bye. And I will see you soon in the next video. I love you. Bye-bye.